गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं जैक रूप प्राइवेट आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर और फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सेफ्टी तक जाना, तो चैप्टर सेफ्टी जो है अब हम लोग का जो है कम्प्लीट हो चुका है। तो आज से मैं न्यू चैप्टर के टॉपिक पर चलूँगा। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है जो मैं स्टार्टिंग किया हूँ वो है माप और माप लेने वाले औजार। क्या है? माप और माप लेने वाले औजार, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। क्या? मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। देखिए, हमारा सेफ्टी के बाद चैप्टर के बाद जो आज ये न्यू चैप्टर जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी जब वर्कशॉप में हम लोग जॉब को बनाते हैं तो किस किस टूल की सहायता पड़ती है, कौन से टूल का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, और मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और मेजरमेंट क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं मेजरमेंट क्या है, इससे हम लोग पहले परिचय होते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ ऐसे समझिए कि कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या कार्य के माप जानना अति आवश्यक है। जब भी हम कार्यशाला में जब कोई जॉब बनाएंगे तो उसका माप हमें जानना क्या है, बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। तो जिस कारीगर अपनी कार्य कुशलता के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके जॉब के साइज और आकार बनाते हैं, मतलब सही आकार और जॉब का जो सही साइज और आकार कब बनेगा, जब कोई कुशल कारीगर क्या है कुशलता अपनी कुशलता के अनुसार औजारों का प्रयोग करेगा तभी क्या होगा, कोई भी जॉब का आकार सही बनेगा और साइज सही बनेगा। तब अगर हम जॉब का साइज जब सही बनाएंगे तभी वो हमारा यूजफुल होगा। अगर हम अपना जॉब का साइज सही अगर नहीं बनाएंगे तो वह अनयूजफुल होगा, मतलब उसका कोई प्रयोग नहीं रहेगा। इसीलिए वर्कशॉप में औजार का सही ढंग से प्रयोग करना बहुत ही अति आवश्यक है और इसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत ही जरूरी है। तो कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, माप कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या है? कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने के मेजरमेंट निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं, मतलब माप कहते हैं। और कंपोनेंट की माप लेने वाले टूल्स को मेजरिंग टूल कहते हैं, मतलब कंपोनेंट्स की माप लेने वाले टूल्स, मतलब जिस टूल की सहायता से हम किसी कंपोनेंट मीन जॉब, ठीक है, किसी भी जॉब की माप लेने वाले टूल्स को हम क्या कहते हैं, मेजरिंग टूल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल्स कहते हैं, माप लेने वाले औजार कहते हैं। माप लेने वाला औजार वो हुआ कि जी किसी की जॉब का हम क्या करें, माप ले रहे हैं, उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेजरिंग टूल्स कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि SI के अनुसार, मतलब SI क्या है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। इसको आप लोग फुल फॉर्म याद भी रखेंगे, SI मतलब क्या होगा, सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार क्या होगा, लंबाई का बेस यूनिट क्या है, मीटर, क्या है, लेंथ का बेस यूनिट क्या है, मीटर, क्या है, मीटर, ठीक है, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। SI सिस्टम के अनुसार, मतलब SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल एक क्या मेथड है, उसके अनुसार लेंथ का जो है बेस यूनिट क्या होता है, मीटर, जिसको M अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये हम जानेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं ये एक मीटर बराबर कितना, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है, और 1 मिलीमीटर बराबर 1000, ये क्या है, माइक्रोन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये माइक्रोन का सिंबल है, ठीक है, इसको म्यू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, म्यू,
ठीक है, मतलब 1000 माइक्रोन इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 माइक्रोन, ठीक है। तो ये मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो साधारण स्टील रूल में क्या होता है कि मिलीमीटर और इंच में निशान बने होते हैं, क्या बने होते हैं, मिलीमीटर और इंच में निशान बने होते हैं स्टील रूल पर, ठीक है। तो अगर हमें स्टील रूल से भी सूक्ष्म माप लेनी हो, जब हमें स्टील रूल से भी सूक्ष्म माप लेनी हो तो हम माइक्रोन में लेते हैं, किस में लेते हैं, माइक्रोन में लेते हैं। तो माइक्रोमीटर हम लोग आगे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में सूक्ष्म मापी यंत्र में माइक्रोमीटर में जब पढ़ेंगे तो हम माइक्रो का विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमें स्टील रूल से भी और सूक्ष्म माप लेनी हो तो फिर हम उसको माइक्रोन में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंडस्ट्री में क्या होता है कि सूक्ष्म माप लेना पड़ता है जो कि स्टील रूल से संभव नहीं है, तो हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, वो आगे हम जानेंगे। तो आप जानिए 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। तो हम 1 माइक्रोन बराबर भी निकाल सकते हैं इस तरह से, 1000 माइक्रोन बराबर 1 मिलीमीटर, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में बराबर कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से हो जाएगा 1/1000.001 मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या है, माइक्रोन में माप है, क्या है, ये हमारा क्या है, माइक्रोन में माप है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, ये आपको एग्जाम में आएगा कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा और इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे, आखिर ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है आया कहाँ से, कोई तो इसको लाया होगा, कोई तो इसका उत्पत्ति की हुई होगी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मीटर आया कहाँ से, तो ये जानिए ये जो एक स्टैंडर्ड मीटर जो फिक्स किया गया है, जो मानक माना गया है, इसको इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, स्टैंडर्ड मीटर जो हमारा मानक मीटर, इसको हिंदी में बोलेंगे मानक मीटर, का शुरुआत कहाँ से किया गया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मीटर जो है, मानक मीटर का शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस, कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस में से इसकी शुरुआत की गई है। और पेरिस में क्या है कि बाट एवं माप, ठीक है, मतलब बाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में, मतलब इंटरनेशनल ऑफिस में क्या किया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया गया है कि एच प्लेटिनम, क्या, प्लेटिनम इरिडियम का एक रड रखा गया है, एक छड़ रखी गई है, क्या किया गया, एक छड़ रखी गई है, ठीक है। प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इंटरनेशनल ऑफिस में रखा गया है, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। और मान लीजिए कि जैसे एक ये छड़ है, तो इसमें जो इस तरह से जो लाइन खींची हुई है, तो इसकी दो लाइनों के बीच की दूरी, ये दूरी ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ से, ये जो दो मतलब लाइन की दूरी, मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस पर बने दो चिन्हों, मतलब ये पहला चिन्ह और दूसरा चिन्ह, मतलब जिस पर बने दो चिन्हों की बीच की दूरी को मानक मीटर मान लिया गया है, स्टैंडर्ड मीटर मान लिया गया है। मतलब जो छड़ रखा गया है, प्लेटिनम इरिडियम का छड़ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, तो उस मतलब उसके चिन्हों, मतलब उस छड़ के दो चिन्हों की बीच की दूरी को क्या, स्टैंडर्ड मीटर मान लिया गया है, मानक मीटर मान लिया गया है, ठीक है। और विभिन्न देशों की राजधानी भी मानक मीटर के प्रारूप को रखा हुआ है, लेकिन ये जानिए कि हमारे देश में जो मानक मीटर का प्रारूप कहाँ रखा गया है, ये इम्पोर्टेंट बात है
कि जो मानक मीटर जो माना गया है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से जो शुरू हुई है, जो कि उसके इंटरनेशनल ऑफिस में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लैटिनम इरिडियम का जो छड़ रखा गया है और उस छड़ के दो चिन्हों के बीच की दूरी को जो मानक मीटर माना गया है, उसका प्रारूप जो है विभिन्न देश रखे हुए हैं। तो हमारा देश भी, जो भारत हमारा देश भी जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी लेबोरेटरी दिल्ली में रखा गया है। कहाँ? दिल्ली में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि स्टैंडर्ड मीटर, मानक मीटर का जो शुरुआत पेरिस से हुआ है, तो विभिन्न देश इसका प्रारूप रखा हुआ है। कौन सा प्रारूप? इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम के छड़ का प्रारूप, मतलब जो प्लेटिनम इरिडियम के छड़ के दो चिन्हों के बीच की जो दूरी को मानक मीटर जो माना गया है, तो उसका प्रारूप जो है विभिन्न देश रखे हुए हैं। तो हमारा देश भारत भी जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, मतलब दिल्ली, जो कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी ये इसका प्रारूप रखा गया है। किसका प्रारूप? प्लेटिनम इरिडियम छड़ का प्रारूप रखा गया है। और ये जो मानक आधार तय किया गया है, जो मानक मीटर जो तय किया गया है, उस मानक मीटर के अनुसार हम लोगों का मेजरमेंट का शुरुआत हुआ, ठीक है। तो आज तक का बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट से ही आगे रिलेटेड बहुत सारे मतलब टूल्स के बारे में जानेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।